जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अभी 10:44 हो गई है रात की। आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो वीडियो बनाने में लेट भी हो गया मुझे। फिर भी सोचा कि एक बार बना देता हूँ। और एक सेकेंड, आज मार्केट, लेट मी चेक कितना बनाया। 928 का ऐसा ढाई बनाया, 928 का हाई बनाया और क्लोजिंग किया 890, और लो बनाया शायद 877। चलिए देख लेते हैं। आज ओपनिंग हुआ 900 का और 928 का हाई बनाया, 877 का लो था और 890 का क्लोजिंग हुआ। तो आज भी प्लस की क्लोजिंग हुई है, भले ही 3 पॉइंट ज़्यादा हुआ कल से, लेकिन प्लस में बंद हुआ, ग्रीन में। जो कि मैं बोल रहा था, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार ग्रीन में रहेगा मार्केट, और शुक्रवार को बड़ा फॉल आएगा। ये मेरा तुक्का था, मैंने कल बताया था आप लोग को याद होगा, कल के वीडियो में मैंने बोला था कि मंगल, बुध और गुरु, तो मंगल तो हो ही गया था और बुध भी कल तेजी हुआ, और गुरु भी, बुध तो आज तेज हुआ, सॉरी, मंगल कल हो गया था, बुध आज तेज हुआ, और कल भी ग्रीन बंद हो जाए तो ये बात सही निकल जाएगी। ये तुक्का है, इसमें कोई टेक्निकल या एस्ट्रोलॉजिकल कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन शुक्रवार को मुझे बड़ा फॉल लग रहा है, अगर ये कल भी ग्रीन बंद होता तो। वरना ये तुक्के वाली बात पे तो मैं चलता भी नहीं हूँ, मैं बस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ये पैटर्न भी कभी कई बार बनता है ऐसा, तो उस एक्सपीरियंस में बोल रहा हूँ। हालांकि इसमें कोई टेक्निकल या एस्ट्रोलॉजिकल कुछ नहीं है। चलिए अब देखते हैं आज क्या हुआ और अभी चार्ट में क्या बनने की चांसेस है। आज का क्लोजिंग तो अच्छा ही हुआ क्योंकि पॉजिटिव हुआ, और सबसे बड़ी बात है कल के मिड लेवल को भी टेस्ट नहीं किया। कल का अगर हम मिड लेवल जोड़े हैं तो कल का मिड लेवल 840, इसीलिए मैं सुबह बोल रहा था कि 823 से 40 के बीच में आए तो बाई करना चाहिए, लेकिन वो आया ही नहीं आज, बिल्कुल भी नीचे नहीं गया। 877 तो आज का लो है, जो कि कल की क्लोजिंग थी 887, उससे 10 पॉइंट नीचे का तो लो है। और मिड लेवल पे अगर आना होता तो आज ये 830 के आसपास, 35 के आसपास आता, अगर आता तो लगता कि मिड लेवल को कल वाले को टेस्ट किया, यानी कि तेजी तो सॉलिड है, कल भी तेजी रहनी चाहिए ऐसा ये इंडिकेट कर रहा है। हालांकि आज जो कैंडल स्टिक बनी है वो डोजी टाइप की बनी है, लेकिन डोजे नहीं है। ओपनिंग 890 है, 900 है और क्लोजिंग 890 है, तो 10 पॉइंट का गैप हो गया। तो और ये जो नीचे का भी शेडो है वो छोटा सा है, तो डोजी भी नहीं है ये, और हालांकि रेंज बाउंड जरूर रही है कैंडल। तो कल का जो फिगर बन रहा है वो मैं स्पॉट का बता रहा हूँ, कल मुझे 970 तक जाते हुए दिख रहा है निफ्टी, 970 स्पॉट हाईएस्ट में, या हाँ 970 के आसपास कल जाते हुए दिख रहा है मुझे। 970 तक जा सकता है कल स्पॉट, ऐसा लग रहा है। ये पैटर्न भी बन जाएगा, ये देखिए। चलिए मैं थोड़ा सा, मैं फुल्ली फिट नहीं हूँ दोस्तों, थोड़ा मुझे बुखार है, तो फिर भी मैंने बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मुझे, मेरा हिसाब से वो डब्ल्यू ही लग रहा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। ये देखिए, इसको लो पे टच किया, और अगर इसको ले जाता हूँ यहाँ, ये तो साला, ये तो इशारा तो फिर से 11,000 की तरफ ही कर रहा है, 11,000 ही लग रहा है। यानी कि कल 970, 970 मुझे कल के लिए रेजिस्टेंस लग रहा है, लेकिन अगर उसको क्रॉस करके ट्रेड होता तो कल ही 11,000 छू देगा ऐसा लगता है। लेकिन 970 के आसपास जा सकता है, 967, 964 या 970, ऐसा कुछ कल हाई बनना चाहिए स्पॉट का, ऐसा मुझे लगता है। आज 928 का हाई है, तो तेजी तो कल भी दिख रही है, लेकिन कल मुझे सेकेंड हाफ में थोड़ा सा करेक्शन लगता है, और फिर ऐसा लगता है कि क्लोजिंग या तो फ्लैट हो जाएगी सेकेंड हाफ में, आफ्टर 1:40 या 1:50 PM, 1:50 के बाद
मैं चाहूँगा कि कल आप 1:40 या 1:35 के आसपास, 1:30 बजे, अगर मार्केट तेज रहता है, 960, 70 या 11,000 जो भी रहता है, उसमें कल आप जरूर से बुक करिएगा, अगर 1:40 के पहले ये पोजीशन आ जाए, 1:40 के पहले, 1:40 PM के पहले, अगर मार्केट 970 या 11,000 या 960 भी रहता है, तो एक बार आप जरूर प्रॉफिट बुक करिएगा कल। और शॉर्ट मत करिएगा, फ्राइडे को डाउन रहेगा, ये मैं तुक्का वाला बोल रहा हूँ। अगर चार्ट कुछ अलग ही पैटर्न बनाए, कल ही 11,000 के ऊपर का अगर क्लोज हो जाता है कल, तो वो चार्ट पूरा चेंज हो जाएगा। फिर वो तुक्का तो गया भाड़ में चला जाएगा वो। फिर हमको चार्ट देख के बताना पड़ेगा कल, और मतलब फ्राइडे को कहीं और सुपर बुलिश नहीं हो जाए। तो ये तो मैंने तुक्के वाली बात कर दी, लेकिन चार्ट तो सब कुछ सही बताएगा और एस्ट्रोलॉजी भी लगभग आइडिया दे देगी। तो अभी तो कल के लिए तो मुझे लग रहा है 970 का रेजिस्टेंस, अगर उसको पार करके भी ऊपर जा रहा है और फिर 11,000 ही जा रहा है, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। और 11,000 कल ही अगर छू देता है और वहाँ सस्टेन नहीं करता, तो भी देखने लायक बात है। तो तेजी तो कंफर्म लग रही है मुझे कल, क्योंकि ये आज भी इसने कहीं भी ऐसा सिग्नल नहीं दिया, आज वो कल के मिड पॉइंट को भी टेस्ट करने नहीं गया। कल की जो कैंडल बनी है वाइट कैंडल, उसका मिड पॉइंट भी अगर मैं जोड़ूँ तो 835 के आसपास आता है, तो उसको भी टेस्ट करने भी नहीं गया। 877 का लो है, यानी कि बियर्स को कोई भी चांस या कोई भी कूलिंग का टाइम नहीं दिया। और कल अगर ये सुपर फास्ट मूव देता है 100 पॉइंट का, क्योंकि 890 का आज क्लोज किया है, तो 100 से 110 पॉइंट का अगर मूव देता तो कल 11,000 छू सकता है। और अगर कल 11,000 छू दिया तो अपना टारगेट भी हो गया, और अगर कल वो तेजी में ही बंद कर देता है तो शुक्रवार को डेफिनेटली जो बीयर्स है वो डर जाएंगे। और मुझे शुक्रवार को पर्सनली लगता है कि बहुत बिग रेड होने की संभावना है, बड़ा रेड। तो ये मेरी, लेकिन टेक्निकली अभी भी ये दिख रहा है कि डब्ल्यू एग्जैक्टली 11,000 के आसपास ही एंड हो रहा है। ये आप बोल सकते हो 10,990 से लेके 11,010 के बीच में ये डब्ल्यू कंप्लीट हो रहा है। तो ये कल देखा जाएगा जो भी हो रहा है। तो इतना ही मैं बोलता हूँ आज के, ज़्यादा मैं आज चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। और ये पंचांग कल का क्या बोल रहा है देख लेते हैं। पंचांग बोल रहा है कल भी 1:41 तक कृतिका नक्षत्र में रहेगा, चंद्रमा कृतिका नक्षत्र जो आज भी था, तो 1:41 तक तो ठीक ही है। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र में आएगा, जो चंद्र जिस जो चंद इस नक्षत्र का लॉर्ड है, चंद्रमा खुद मून खुद इसका लॉर्ड है, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है चेरियट। चेरियट यानी कि रथ, हिंदी में रथ बोलते हैं, तो रथ या फिर इसको बैलगाड़ी भी बोलते हैं, ऑक्स कार्ट रोहिणी का सिंबल। तो बैलगाड़ी तो नहीं हो जाएगी कल निफ्टी, या रथ बनेगी? रथ बना तो कल ही 11,000 के ऊपर भी जाएगा, और हो सकता है क्लोजिंग भी ऐसे लंबा चौड़ा दे दे। तो 1:41 के बाद का मार्केट देखना कल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आफ्टर 1:41 PM बस। लेकिन आपको अगर इसके पहले 1:41 PM के पहले अगर आपको मार्केट दिख जाए कि 970 या 80 पहुंच गया है, या 965 भी पहुंच गया, तो आप एक बार इधर प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा बिना सोचे, और उसके बाद देखिएगा इसकी चाल क्या होती है। तो आप तो ऐसे भी प्रॉफिट में रहोगे, काफ़ी नीचे की पाएंगे। तो उसके बाद ये रोहिणी नक्षत्र का क्या इम्पैक्ट होता है वो देखने लायक है, क्योंकि इसका सिंबल होता है रथ या बैलगाड़ी, ऑक्स कार्ट। और चलिए देखते हैं ये कल की प्लानिटरी पोजिशन क्या है। प्लानिटरी पोजिशन में कुंभ लगन से कुंडली स्टार्ट होगी 9:15 बजे, और लग्नेश शनि लाभ भाव में, यानी कि तेजी तो डेफिनेटली है मॉर्निंग में खुलते ही, जैसे ये रोज हो रहा है। यहाँ चंद्रमा ऊंच का तो हो गया, एग्जॉल्टेड हेयर व्हेन मून सिट्स इन टॉरस, ये टू मतलब टॉरस, या हिंदी में वृषभ। तो वृषभ राशि में जब भी चंद्रमा आता है वो ऊंच का हो जाता है, और वृश्चिक राशि में नीच का हो जाता है। तो कल चंद्रमा ऊंच का तो है, लेकिन ये देखिए
यस, 1:41 के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसा लगता है मुझे। कल कल सब कुछ नया हाई बनेंगे। सॉरी, एग्जैक्टली सॉरी, मैं ये क्या बोलते हैं इसको, प्रेमधुम दोष देख रहा था, क्योंकि इसके चंद्रमा के पहले वाले घर में भी कोई नहीं है और आगे वाले में। तो कल मुझे लगता है कल 11,000 का आंकड़ा हम देख सकेंगे। 970 का रेजिस्टेंस जरूर है, उसको पार किया तो कल ही 11,000। कल तेजी की क्लोजिंग लग रही है। अब फ्राइडे को कुछ सरप्राइज होगा मार्केट, जो भी होना है। तो क्योंकि देखिए, गुरु की डायरेक्ट दृष्टि यहाँ पर, तो ये केंदुम दोष लग नहीं रहा है, यहाँ पे हो नहीं रहा है, क्योंकि गुरु से सप्तम में चंद्रमा। देखिए, गुरु 8 नंबर हाउस में, 8 नंबर राशि में, और चंद्रमा 2 नंबर, और चंद्रमा यहाँ ऊंच का है, और गुरु के साथ डायरेक्ट दृष्टि संबंध है, सातवीं दृष्टि दोनों की आपस में एक दूसरे को देख रही है। ये हो गया गज केसरी योग भी बनता है। गज केसरी योग और चंद्रमा ऊंच का मतलब कल तो सुपर बुलिश डे है। कल आप बोलो तो कल, और कल बैंकिंग साइड मेरे ख्याल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुलिश रहेगी, बैंकिंग सेक्टर, ऐसा मुझे लगता है। सो दोस्तों, मैंने 1:41 का जो टाइम बोला था ना पहले, वो इसी को देखते हुए बोला था जो नक्षत्र था। बट मैं ये केमदून दोष के चिंता कर रहा था कि ये केमदून दोष क्या होता है, जितना आपने खाया सब उल्टी करा देता है, या फिर सब कुछ छिन जाता है, ठीक है, या अकेलापन, आइसोलेशन का ग्रह ये दोष है। तो ये दोष भंग हो रहा है, क्योंकि गुरु की डायरेक्ट दृष्टि इस पे आ रही है, तो ये, और गुरु इससे सातवें में ही बैठा हुआ है, तो यानी कि कल सुपर बुलिश डे है, कोई डाउट नहीं लग रहा मुझे अब। तो कल आप मान के चलिए 11,000 भी हो सकता है कल हम स्क्रीन पर देख लें। सो दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है। एक्सट्रीमली सॉरी जो मैंने आपको 1:41 वाली जो पहले बोला था, क्योंकि अब ये गुरु की अगर दृष्टि इस पर डायरेक्ट, क्योंकि कोई भी प्लानेट अपने से सातवां तो जरूर देखता है। तो चंद्रमा अपने से सातवां किसको देख रहा है, गुरु को, और गुरु अपने से सातवां किसको देख रहा है, चंद्रमा को। कोई हर एक प्लानेट को एक एक दृष्टि तो कंफर्म दी गई है अपने से सातवां। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और गुरु से सातवां किन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन स्पेशल दृष्टि जो दी गई है मंगल को दी गई है, मंगल अपने से चौथा, सातवां और आठवां देखता है। चलिए आपको ये ज्ञान दे देता हूँ। और शनि देखता है अपने से तीसरा, सातवां और दसवां, और गुरु देखता है पांचवा, सातवां और नौवां। गुरु अपने से पांचवा, सातवां और नौवां, और मंगल देखता है चौथा, सातवां और आठवां, और शनि देखता है तीसरा, सातवां, दसवां। तो ये स्पेशल दृष्टि मंगल को, शनि को और गुरु को दी गई है, बाकी सब प्लैनेट अपने से सातवां ही देखते हैं। और राहु केतु, तो राहु केतु भी गुरु के समान दृष्टि रखते हैं, 5, 7, 9। तो ये आपको बता दिया। तो ओवरऑल तो कल फाड़ू बुलिश रहेगा ऐसा लगता है। तो दोस्तों, बियर्स बियर्स थोड़ा बच के रहिएगा, जो नीचे वाले सपने देख रहे हैं आप लोग, हो सकता है पानी फिर जाए, 11,000 भी दिख ही जाए कल स्क्रीन पे। हालांकि देखिए, मार्केट क्या है, मार्केट अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन दिस स्टॉक मार्केट। क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इज द ओनली सर्टेनिटी इन स्टॉक मार्केट। अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चितता है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, सब मंदी में थे, अकेला पीजे तेजी में था, और पीजे ने साबित कर दिया कि वो क्यों सबसे अलग है। आप लोग मेरे दो मैं 12 अक्टूबर से वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो मेरे वीडियो। मैं सिर्फ 2 बार अपना व्यू रॉन्ग हुआ मेरा इतने दिनों में, रॉन्ग भी नहीं हुआ। वो एक दिन जो इलेक्शन वाले रिजल्ट था ना, वो 5 स्टेट का, उस दिन मेरा व्यू इसलिए रॉन्ग हुआ कि उस इलेक्शन का रिजल्ट खराब आया था, तब मार्केट गिरा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस हुआ, उसके बाद मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको मैंने 200 पॉइंट नीचे माल दिलाया, और बोला अब सिर्फ 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और वहाँ 900 पॉइंट का गेन दिखाया, सॉरी 600 पॉइंट का, विद इन 2 डेज। सो एनी वे, थैंक यू दोस्तों, शुभरात्रि, जय जितेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।